I literally look so different with this hair. But hi guys, it's another vlog. That's not the best light for me. Is that better? It's a lot better. आपने से काफी सारे लोग request कर रहे थे खदीजा बहुत time से vlogs नहीं आ रहे. You guys know how my vlogs go. But it's going to be exactly the same. Don't have any more expectations. सुबह नहीं बल्कि रात को 1 बजे से लाइट नहीं थी और सहरी भी हमने बगैर लाइट की है और अभी माशाल्लाह से 5:45 बजे लाइट आई है. तो हम सारे कज़न्स ऊपर छत पे थे और जिसको मैं सेल्फ दिया है बट हम लोग सारे कज़न्स छत पे थे और अब हम एक कज़न को ऊपर ही छोड़ के आए क्योंकि वो सो गया था एंड नोबडी हैज़ टोल्ड हिम कि लाइट आ गई है. सो लेट्स सी वो कितनी देर में फिगर आउट करता है कि लाइट आ गई. गाइस यू सी माय हेयर, मतलब मेरे बाल ना आगे से स्ट्रेट हैं और पीछे से इस तरह के हैं, मतलब देर लाइक अ लिटिल बिट वेवी. और जब मेरे बाल खुले होते हैं तो पता नहीं चलता कि ये वेवी भी है, लेकिन मैं जब बाल बंद करती हूँ तो फिर ऐसे लगते हैं. और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं अभी ना अपने बाल बनाने के मूड में हूँ और ना कुछ और करने के. ओके सो क्विक रन डाउन ऑफ दिस डे फॉर यू. सबसे पहले मैंने सही हैशटैग गोल्स किस्म की इफ्तारी की. ओके सो आज की इफ्तारी में वी हैव रू अफ्जा ऑब्स, वी लव दैट, वी लव हर. देन वी हैव फ्रूट चाट विच इज़ माई फेवरेट पार्ट बिकॉज ऑब्वियसली फ्रूट चाट, हू डजंट लव फ्रूट चाट. देन वी हैव सम दही बड़े. लेट मी नो ना बोलो कि आप लोग मीठे दही बड़े खाते हो या लाइक नमकीन. आई लव नमकीन. आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई भी दही के साथ चीज़ मीठी को कैसे खा सकता है. देन अगेन आई ईट स्ट्रॉबेरी योगर्ट्स. बट देन वी हैव चाट हेयर, एक्सक्यूज दैट. Yeah, we have some chaat here, chane wali chaat, normal, bahir wali jo hoti hai. And then we have some rolls and samosa, homemade sort of there. And that's our iftari for today. और उसके बाद मैं और मेरी अम्मी हम लोग शॉपिंग करने चले गए क्योंकि यू गाइज नो ईद आने वाली है, सही रश होने लगा है हर जगह पे. तो इसलिए वी थॉट वीक डेज थे तो इसलिए हम जल्दी जल्दी जाके और सारी जगहों को हमने कॉट कर लिया. तो सबसे पहले वी वेंट टू द टेलर. ऑब्वियसली आपको पता है टेलर के मसाइल ईद के टाइम पे क्या क्या होते हैं. ऑल ऑफ माय गर्ल्स आउट देयर नो. गाइस आई लुक लाइक क्रैप राइट नाउ, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. वो अंदर जो कुपया है ना. अच्छा खैर, सो अभी मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, बहुत जल्दी है, मेरी अम्मी मुझे मार देंगी. लेकिन आई एम लीविंग राइट नाउ. अम्मी कपड़ा खाएं ना, मुझे कपड़ा था, अम्मी कौन खाएं. सो नो वेट, एक और चीज़ भी लेनी थी. मैं जा रही हूँ एक लोकल मार्केट में और मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँगी, लेकिन कोई इतना ज़्यादा प्रॉमिस नहीं कर सकती. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. हमेशा ये करती हूँ कि मैं जब भी जाती हूँ आई लुक एट द ज्वेलरी स्टोर कि शायद कोई नई अच्छी चीज़ मुझे मिल जाए. एंड दैट्स व्हाट यू गाइस शुड डू टू. और उसके बाद वी वेंट फॉर ग्रोसरी शॉपिंग. और उसके बाद घर आके बहुत अच्छे बच्चों की तरह मैंने अपने कमरे की सफाई की.
और ब्रशेस क्लीन किए, विच वॉज अ वेरी वेरी लॉन्ग ड्यू प्रोसेस. You watched my vlog ever before, you probably already know कि हर vlog के end में मेरा एक message ज़रूर होता है. I've talked about it on my Instagram. एक community में discussion बहुत ज़्यादा चल रही है and I don't think we should need to discuss things like this. मतलब कचरा ना फेंको, पानी ना ज़ाया करो, be kind to others, don't be rude, signal ना तोड़ो, tax चोरी ना करो, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी में मॉरल पुलिसिंग के थ्रू सही होनी चाहिए. लेकिन वीड रादर मॉरल पुलिस समवन अबाउट दुपट्टा किधर है तुम्हारा, नमाज भी पढ़ती हो या नहीं, नेल पॉलिश लगा के रोजा रखा, रादर देन बीइंग लाइक तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने सड़क पर कचरा क्यों फेंका. वी नीड टू स्टार्ट डूइंग दैट बिकॉज अगर हमने ये पहले सोचा होता, दैट्स नॉट अ गुड एंगल एट ऑल. ये सब पहले सोचा होता तो यहाँ आने की नौबत ही ना आती. लेकिन सिंस यहाँ आने की नौबत आ चुकी है, सो वी शुड ट्राई टू मेक बेटर. आई डोंट नो ये रमज़ान का आखिरी ब्लॉग होगा या नहीं. ईद में ज़रूर ब्लॉग करने की कोशिश करूँगी. अगर ये रमज़ान का आखिरी ब्लॉग है तो प्रे मी, प्लीज़ डू प्रे फॉर मी. बी काइंड टू ईच अदर, दूसरों से बुरे गुमान ना रखें. अगर आपको किसी को कोई चीज़ बुरी लग रही है तो जस्ट गिव देम अ बेनिफिट ऑफ द डाउट कि शायद उन्होंने वो ना किया हो और शायद आप गलत हो. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग लेडीज एंड लेडीज, क्योंकि द जेंट्स हैव प्रोबेबली स्विच्ड ऑफ बाय नाउ. प्लीज डू सब्सक्राइब डाउन बिलो इफ यू हैवंट ऑलरेडी. बी काइंड, लव ईच अदर, लव योरसेल्फ एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन. बाय.